हेलो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल युविका फैशन एंड व्लॉग्स पर। हाँ जी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दे दिया था कि अब हमारे जो चैनल का नेम है वो चेंज हो गया है थोड़ा सा, यानी कि युविका फैशन पॉइंट से अब हमारे चैनल का जो नेम है वो हो गया है युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए द मोस्ट अवेटेड होम टूर वीडियो फाइनली। तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है ऑलरेडी, इट्स लाइक इवनिंग 5:30 राइट नाउ, जो टाइम है शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से जो है वो होम टूर वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए। तो भाई बहुत ज्यादा तो आपको मेरा घर जो है वो एकदम से डेकोर और वो सब तो नहीं दिखने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई बड़ा साफ सुथरा और काफी मतलब सजा धजा सा जो है वो होने वाला है, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एज यू ऑल नो कि मेरे जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कभी भी घर को जो है वो मतलब क्या कहूँ मैं कि उसको ना मेंटेन नहीं रहने देते कि आपने कोई चीज कहीं पर रखी और वो एज इट इज रखी रहे, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो जैसा भी है वो मैं आज लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा होम टूर वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारे घर का फ्रंट व्यू, मतलब सामने की तरफ से अगर रोड से देखें तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा घर। और ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने आपको जो ये दरवाज़ा और खिड़कियाँ दिखाई दे रहे हैं ना, जहाँ स्कूटी खड़ी हुई है। तो जब हमारी शादी हुई थी तो मैं और जीत जो हैं वो इस वाले रूम में रहते थे, लेकिन अभी तो हमने जो है वो अपना पोर्शन, सेपरेट एक पोर्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करा लिया है। तो हम लोग ऊपर जो ऊपर वाला जो फ्लोर है उस पे रहते हैं। तो ये हैं सीढ़ियाँ हमारे वाले जो पोर्शन हैं उस तक जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए सीढ़ियों के बिल्कुल सामने आपको ये बड़ा सा दरवाज़ा दिख जाएगा, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। आ जाइए घर के अंदर। तो ये है हमारा एंट्रेंस होता है, ये एक हॉल है हमारा, जैसे ही एंटर होते हैं हमारे ऊपर वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर साइड में जो है ना वो है मेरा जो फेवरेट कॉर्नर, मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरे लास्ट वीडियो में। और यहाँ पर है हमारा जो फ्लोर सेटिंग है वो, और फ्लोर सेटिंग के साथ में ही वहाँ पर जो है वो हमने रखे हुए हैं जो कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हैं वो सब। और उसके साथ में यहाँ पर है हमारा सोफ़ा। तो आप कह सकते हो कि हमने हॉल का जो पोर्शन है ना, आप अगर इस साइड देखेंगे ना, हमने हॉल को डिवाइड किया हुआ है दो पोर्शंस में, क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉल है तो इसलिए हमने ना कर्टन्स के साथ में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो हॉल का जो ये साइड वाला हिस्सा है, कर्टन्स के इस साइड वाला हिस्सा, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ लिविंग एरिया, यानी बाहर से भी अगर कोई आता है तो वो यहीं बैठते हैं आकर के, या हम सबको अगर टीवी वगैरह देखना है, क्योंकि सोफे के बिल्कुल सामने हमने यहाँ पर जो है ना ये जो टीवी कैबिनेट है ये लगाया हुआ है। तो टीवी वैसे तो सिर्फ गन्नू और गुड्डो ही देखते हैं, मैं और जीत तो नहीं देखते हैं, बहुत रेयर ही देखते हैं। तो ये था हमारे हॉल का आधा हिस्सा जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ लिविंग एरिया। तो आइए अब आपको दिखाती हूँ आगे। तो हॉल के उस वाले हिस्से में जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा वो रूम जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे काम के लिए। देखिए यहाँ पर ना आपको ये जो सारा सामान है वो भी दिख जाएगा, यहाँ पर जो भी सूट्स वगैरह जो मैं सेल करती हूँ। और साथ में ना ये बच्चों के लिए रखा हुआ है रूम वैसे, तो बच्चों के जो भी टॉयज़ वगैरह हैं वो सब भी हमने यहीं पर रखे हुए हैं। यहाँ पर भी एक जो फ्लोर सिटिंग है वो बनाई हुई है हमने, ताकि बच्चे यहाँ पर बैठ के खेल सकें, और अगर कोई आता है कस्टमर सूट्स वगैरह देखने के लिए तो वो लोग भी कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सके उसके लिए। और देखिए यहाँ पे है वो वॉलपेपर जो आपको मेरे काफ़ी सारे जो वीडियोस है ना उसमें दिखाई देता है। तो ये वो वॉलपेपर है जो आप देखते हो मेरे काफ़ी सारे वीडियोस के बैकग्राउंड में, तो वो मैं यहाँ पर बैठ करके शूट करती हूँ मेरे वो जो वीडियोस हैं वो। और यहाँ पे जा रही हैं हमारी जो सीढ़ियाँ हैं सबसे ऊपर वाली जो छत है, यानी जो टेरेस है उस पर जाने के लिए। तो वो छत तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ मेरे एक वीडियो में, तो मैं ऊपर नहीं जाऊँगी अभी हाल फिलहाल।
तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारे हॉल का जो दूसरे साइड का हिस्सा है। वैसे तो ये बनाया गया है एज अ डाइनिंग एरिया, तो इसमें ही जो है हमने जो हमारा फ्रिज है बड़ा वाला वो रखा हुआ है। और साथ में देखिए यहाँ पर ही मैंने जो टॉवल है ना ये ऐसे ही लगा दी है, क्योंकि यहाँ इस साइड पे ना ये वॉश बेसिन हमने दिया हुआ है। तो ये जो वॉश बेसिन है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था अभी टॉवल को हैंग करने के लिए, तो इसलिए ये जो टॉवल है मैंने जो फ्रिज का हैंडल है उसमें ही लगाया हुआ है। और ये इस वॉश बेसिन के बिल्कुल साथ में यहाँ पर है हमारा जो मेन बाथरूम है वो। तो ये है हमारा मेन बाथरूम, ये अटैच जो लेट बाथ होता है वो है। तो ये मेन बाथरूम इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो है वो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा मेन बाथरूम। तो ये है मेरी किचन जहाँ से मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिए थे कुछ कुकिंग वीडियोस, और उसके अलावा भी कोशिश करूँगी अब देने की। तो देखिए जब हमने किचन बनवाया था ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये सिंक एरिया है यानी बर्तनों को धोने वाली जो जगह है, और जो हमारा यहाँ पर कुकिंग एरिया है, तो इसके बीच में ना मतलब अच्छा खासा हमने डिस्टेंस रखा है कि अगर कोई बंदा वहाँ पर बर्तन वाला काम कर रहा है, बर्तन धो रहा है, तो यहाँ पर जो बंदा कुकिंग कर रहा है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे को, यानी दो बंदे इजीली काम कर सकते हैं अपना अपना यहाँ पर। और यहाँ पर है एक छोटा सा स्टैंड, तो ये जो स्टैंड है वो सिर्फ मैंने इसलिए लगवाया था ताकि बर्तनों को धोने के साथ साथ इसमें अगर रख दें तो उनका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। और मेरी जो किचन है वो फुली मॉड्यूलर नहीं है, सेमी मॉड्यूलर किचन है। तो जो सिर्फ ये जो मेरा कुक टॉप है उसके नीचे वाले ये जो तीन कैबिनेट्स हैं ना, बस उसमें ही जो है इस तरह के जो ट्रॉलीज हैं वो लगे हुए हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी आपको कैबिनेट्स दिखाई दे रहे हैं वो नॉर्मल कैबिनेट्स हैं, उनके अंदर सिर्फ ना जो पार्टीशन स्लैब है वो लगे हुए हैं। और यहाँ साइड में जो है वो रखे हुए हैं हमारे सारे बॉक्सेस, चीनी, चाय पत्ती, बच्चों के जो भी स्नैक्स वगैरह हैं वो सब। और वो जो कॉर्नर है उस पर हमारे रखे हुए हैं कप्स वगैरह जो भी होते हैं। यहाँ पर हमने रखी हुई है एक बकेट पानी भरने के लिए, साथ में एक डस्टबिन जो भी किचन का कूड़ा निकलता है उसके लिए। और साथ में यहाँ पर है ये एक स्लाइड वाली जो रैक होती है, स्लिम रैक, जो आजकल मीशो पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये मैंने भी मंगवाया था मीशो से, तो अगर आप में से कोई भी इसे परचेज़ करना चाहता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका। और साइड में है ये जो टोकरी होती है सब्ज़ी रखने वाली, तो इसमें सब्ज़ियाँ तो नहीं रखी हुई हैं, इसमें जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये है हमारा दूसरा वाला फ्रिज, लेकिन अभी क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो फ्रिज की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, एक फ्रिज से काम चल रहा है अभी। तो ये हाल फिलहाल अभी बंद है, तो इसको मैंने यूज़ कर रही हूँ अभी मैं ना इस टाइप से। ये फ्रिज की ही एसेसरीज़ है सारी, मतलब फ्रिज में जो भी यूज़ करते हैं हम, बॉटल्स हो गए या ये वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए जो बॉक्सेस वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, तो वो सब कुछ मैंने अभी इस फ्रिज में डाल के रखा हुआ है। तो किचन से निकल कर हम आते हैं वापस हॉल में। तो हॉल का ये जो कॉर्नर है जो कि किचन से बिल्कुल लगा हुआ कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर में है मेरा जो मंदिर है वो। हालांकि ये मेरा जो मंदिर है वो आपको मेरा जन्माष्टमी का जो वीडियो मैंने डाला था शॉर्ट वीडियो, और दिवाली का जो व्लॉग डाला था उसमें आपको ऑलरेडी दिख गया होगा। तो ये किचन से ना निकलते ही बिल्कुल और एक कॉर्नर पे मंदिर है, और दूसरा वाला जो कॉर्नर है उस पर हमने रखा हुआ है फ्रिज। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर। और अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम में। तो ये है हमारा बेडरूम। तो ये है वो वॉलपेपर, सेकंड वॉलपेपर जो आपको मेरे काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस में देखने के लिए मिलता होगा। और यहाँ पे जो हमारा बेड है उसके पीछे हमने इस वॉलपेपर को लगाया हुआ है। और यहाँ पर साइड में जो है ये जो आपको रैक्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी मीशो पे इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इन वाले रैक्स का, तो इनका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
तो अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बेड के बिल्कुल अब साथ में जो कॉर्नर है वहाँ पर है जो मेरी ड्रेसिंग है वो, तो ये है मेरा पूरा ड्रेसिंग एरिया। तो ये वाला जो रैक है ना, इसमें भी मेरा ही जो सामान है, कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी या गुड्डों के जो हेयर बैंड्स वगैरह होते हैं, तो वो सब यहाँ पर स्टोर करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमारी सबकी फ़ोटोज़ हैं। सबसे ऊपर है मेरी और जीत की पिक, और उसके बाद है गन्नू की पिक, और उसके बाद है यहाँ पर गुड्डों की जो पिक है वो, ठीक है। तो ये है मेरा ड्रेसिंग जो कि हमने घर में ही बनवाया था। और ये देखिए अंदर कुछ इस तरह से मैंने अभी इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो साथ में है यहाँ पर जो ड्रेसिंग का स्टूल है वो, और उसके साथ में है यहाँ पर एक चेयर। तो ये जो चेयर है ये मोस्टली यहीं पर होती है, इस पर कोई बैठता नहीं है वैसे, ये सिर्फ हमारे कपड़ों के लिए है, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद हम इकट्ठे करके इस चेयर पर रख देते हैं, तो जब भी टाइम मिलता है उसको फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो फोल्ड नहीं होते हैं तब तक वो जो है यहाँ इस चेयर पर रखे रहते हैं। और उसके बाद में आता है हमारा ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर मैंने अपना मतलब बेडरूम में ही एक छोटा सा स्टूडियो कॉर्नर कह सकते हो इसको। तो ये जो रिंग लाइट है वो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, और ये कर्टन्स डाल करके मैं मोस्टली मेरे जो व्लॉग्स हैं या मेरे जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो मैं यहीं पर शूट करती हूँ। इवन मेरी इंस्टा की जो रील्स हैं वो भी मोस्टली मैं यहाँ इसी कॉर्नर पे शूट करती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं हमारी बैक साइड की गैलरी में, जो मैं आपको ऑलरेडी अपने काफ़ी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ पहले। तो ये है हमारी बैक साइड की गैलरी, जिसमें कि है हमारे कपड़ों का स्टैंड, और साथ में वो जो मैंने आपको जो दो पौधे दिखाए थे जब सेव प्लांट मिशन वाला व्लॉग जब मैंने डाला था, तो ये हमारी बैक साइड की गैलरी है। छोटी सी गैलरी है, बट हाँ फ्रंट में और बैक में दोनों साइड जो है वो गैलरीज दी हुई हैं, तो आप आराम से बैठ सकते हो, सर्दियों की धूप ले सकते हो। और यहाँ पीछे वाले हिस्से में तो बहुत अच्छी धूप आती है, मतलब सुबह से ही जो है वो धूप आ जाती है, और दोपहर को 1:30-2 बजे तक यहाँ पर अच्छी खासी धूप रहती है पीछे वाली गैलरी में। और ये है मेरी अलमीरा, जैसे मैंने बताया था हॉल में आपने एक अलमीरा देखी होगी, मतलब एक जो लोहे वाली अलमारी है वो देखी होगी, तो वो जो अलमारी है वो है जीत, गन्नू और गुड्डों की। और ये जो अलमारी है ये है मेरी वाली अलमारी, तो मैंने अपनी जो अलमारी है वो बेडरूम में ही रखी हुई है साइड में। और ये जो है ये है हमारा जो सेकंड बाथरूम है वो, तो इसको ये इंडियन स्टाइल वाले जो बाथरूम होता है ये वो है, तो इसको हम एज अ अल्टरनेट ही यूज़ करते हैं, मतलब मोस्टली तो इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही पड़ती है, बाकी मेन बाथरूम मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले ही। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ 5:30 बजे, लेकिन जिस वक्त मैंने जिस वक्त मैंने बाहर से जो है वो वीडियो शूट करना स्टार्ट किया उस वक्त ऑलमोस्ट 6:15 बज गए थे, क्योंकि बीच में मैं चाय वगैरह बनाने के लिए लग गई थी, तो इसलिए जो बाहर से मैंने वीडियो को शूट करना स्टार्ट किया तो तब तक जो है वो अंधेरा हो चुका था बाहर। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये होम टूर वीडियो, ये हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।